गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 4 ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, दैट इज सोशल जस्टिस। एंड इन दिस चैप्टर वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ जस्टिस एंड सोशल जस्टिस। व्हाट इज जस्टिस एंड व्हाट इज सोशल जस्टिस एंड हाउ इट कैन बी एस्टैब्लिश्ड इन द सोसाइटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट the term social justice. As we intuitively understand what love means, even if we cannot explain all its different shades of meaning. जैसे लव है, लव एक ऐसा intuitive feeling है कि जिसको explain करना बहुत मुश्किल है। हम उसको explain नहीं कर सकते, लव के all shades को हम explain नहीं कर सकते। ठीक है, वी ऑल्सो हैव एन इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ जस्टिस इवन दो वी मे नॉट बी एबल टू डिफाइन इट सोसाइटी। और जिस तरह से लव को लेकर हमारा एक इंट्यूटिव फीलिंग है, हम समझ सकते हैं कि एक बच्चा भी इवन समझ सकता है कि सामने वाला पर्सन जो है वो उसको प्यार की नज़रों से देख रहा है या फिर गुस्से से देख रहा है या फिर कोई और फीलिंग है। ठीक है, इवन हम कहते हैं ना कि जानवर भी प्यार की भाषा समझता है। तो लव जो है एक बहुत ही इंट्यूटिव फीलिंग है जिसको कि हम समझ तो सकते हैं लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर सकते, कई बार एक्सप्लेन करने के उसमें हम रह जाते हैं। ठीक उसी तरह से जस्टिस का भी, जस्टिस भी जो है हम उसको समझते हैं कि जस्टिस एक्चुअली है क्या। अगर उसको एक्सप्लेन करने को कहा जाए कि जस्टिस की फीलिंग क्या है, मतलब क्या चीज़ है जस्टिस, मतलब वॉट, तो हम उसको बहुत प्रिसाइजली डिफाइन नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर सोसाइटी में कुछ अगर अनजस्ट हो रहा है तो हमें तुरंत समझ में आ जाता है कि नहीं, ये गलत है और ये चीज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, या फिर कोई अगर डिफरेंट सिचुएशन में कोई ऐसी चीज़ होती है जो कि कुछ अलग तरह का डिसीजन कोई लेता है, लेकिन अगर वहाँ पर अगर जस्टिस वो कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं हमें फील करता है, हमें टच करता है कि नहीं, ये सही हुआ और ऐसा ही होना चाहिए था। ठीक है, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये भी जस्ट एज लव, जस्टिस भी एक बहुत ही इंट्यूटिव फीलिंग है जिसको कि हम महसूस कर सकते हैं। इन दैट सेंस जस्टिस इज अ लॉट लाइक लव। इन एडिशन बोथ लव एंड जस्टिस इवोक पैशनेट रिस्पॉन्स फ्रॉम देयर एडवोकेट्स। लव एंड जस्टिस दोनों के लिए बहुत ही पैशनेट रिस्पॉन्स जो है सामने वाले की तरफ से हमें मिलता है। एंड एज विथ लव नो वन हेट जस्टिस। और जैसे लव को सभी जो है वो एक्सेप्ट करते हैं, उसी तरह से जस्टिस को भी सभी एक्सेप्ट करते हैं। कोई भी जस्टिस से हेट नहीं करता। अगर किसी भी तरह का जस्टिस हुआ है तो वो अपील करता है माइंड को कि नहीं, ये जो हुआ है वो सही हुआ है। एवरी वन वॉन्ट्स जस्टिस फॉर वन सेल्फ एंड टू सम एक्सटेंड फॉर अदर्स ऑल्सो। और जस्टिस जो है वो भाई अब हमें अपने लिए तो चाहिए ही, लेकिन साथ ही साथ कई बार हमें दूसरों के साथ भी अगर इनजस्टिस होता है तो हमें अच्छा नहीं लगता, हमें दूसरों के लिए भी जस्टिस चाहिए होता है। बट अनलाइक लव विच इज़ एन एस्पेक्ट ऑफ आवर रिलेशनशिप विथ अ फ्यू पीपल होम वी नो वेल, जस्टिस कंसर्न आवर लाइफ इन सोसाइटी। ठीक है, जस्टिस जो है हमारी लाइफ से कंसर्न है, लव जो है वो हमारी सोसाइटी की लाइफ से कंसर्न नहीं है, बट जस्टिस जो है वो हमारी सोशल लाइफ से कंसर्न है। द वे इन विच पब्लिक लाइफ इज ऑर्डर्ड एंड द प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू विच सोशल गुड्स एंड सोशल ड्यूटीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, एज सच क्वेश्चन ऑफ जस्टिस आर ऑफ सेंट्रल इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, जिस तरह से जो चीज़ें डिफरेंट लोगों में जो रिसोर्सेज हैं या डिफरेंट चीज़ें हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं सोसाइटी के डिफरेंट लोगों के बीच में, तो इस तरह से जो जस्टिस का जो मैटर है वो पॉलिटिक्स का एक तरह से सेंटर हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल पॉलिटिकल मैटर हो जाता है। आफ्टर गोइंग थ्रू दिस चैप्टर वी विल एबल टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस विच हैव बीन पुट फॉरवर्ड इन डिफरेंट सोसाइटीज एंड एट डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, हम कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस को जानेंगे जो टाइम टू टाइम सोसाइटीज के सामने डिफरेंट पीरियड्स में, डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम में हमारे सामने, हमारी सोसाइटी के सामने आया,
हम उसके बारे में जानेंगे. एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस. डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या है हम इसके बारे में जानेंगे. एंड डिस्कस जॉन रॉल्स आर्ग्यूमेंट दैट अ फेयर एंड जस्ट सोसाइटी वुड बी इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल मेंबर्स एंड कुड बी डिफेंडेड ऑन रैशनल ग्राउंड. ठीक है, फिर इसमें सोशल जस्टिस को लेकर जॉन रॉल्स ने एक अपना थ्योरी दिया है, एक उन्होंने अपना जो आर्ग्यूमेंट दिया है, हम उस आर्ग्यूमेंट को इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज जस्टिस. जस्टिस आखिर है क्या, किस चीज़ को हम जस्टिस कहेंगे. ऑल कल्चर एंड ट्रेडिशन हैव ग्रैपल्ड विद क्वेश्चन ऑफ जस्टिस ऑल्दो दे मे हैव इंटरप्रेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंट वे. ठीक है, हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो कल्चर, हमारा जो ट्रेडिशन है, वो बहुत तरीके से ये जस्टिस के जो के क्वेश्चन से जूझता रहता है. जस्टिस है कि नहीं है, क्या है जस्टिस, किस चीज़ को हम जस्टिस कहेंगे, इस वजह से हमारा जो मतलब सभी जो कल्चर और ट्रेडिशन है वो इस जस्टिस से रिलेटेड क्वेश्चन से हमेशा जूझते रहते हैं. ऑल्दो दे मे हैव इंटरप्रेटेड द कॉन्सेप्ट इन डिफरेंट वे. और हर कल्चर, हर कंट्री ने अपने अपने तरीके से जस्टिस को इंटरप्रेट किया. अब देखो ये जस्टिस जो है वो एक कंट्री के लिए जो चीज़ जस्टिस है, मे बी दूसरी कंट्री में वो चीज़ इनजस्टिस हो सकता है. अब जैसे आप इसको एग्जांपल ले सकते हो कि नॉर्थ कोरिया में किम जोंग जो कर रहा है वो उसके अकॉर्डिंग उसके कंट्री में वो जस्टिस भले वो कहता हो, लेकिन हमारी कंट्री में हम उसको जस्टिस नहीं कह सकते. ठीक है, तो इसलिए जो डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट कंट्री है, वो अपने अकॉर्डिंग इंटरप्रेट करती है इस कॉन्सेप्ट को. फॉर इंस्टेंस इन एंशिएंट इंडियन सोसाइटी जस्टिस वॉज एसोसिएटेड विथ धर्मा एंड मेंटेनिंग धर्मा और अ जस्ट सोशल ऑर्डर. ठीक है, एंशिएंट इंडियन सोसाइटी जो थी उसमें जस्टिस का मतलब धर्म, और यहाँ पे धर्म रिलीजन का मतलब नहीं है, धर्म का मतलब हो गया ड्यूटी. आपकी ड्यूटी क्या है, आपका कर्तव्य क्या है. ठीक है, तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में जो जस्टिस, भाई हम अगर अपनी ड्यूटी को ठीक से परफॉर्म कर रहे हैं, किंग अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर रहा है, दैट मीन्स कि वो जस्टिस कर रहा है. और जब किंग अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर पाता तो हम लोग कहते थे कि ये इनजस्टिस हुआ. ठीक है, तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में, इंडियन सोसाइटी में जस्टिस जो था वो जुड़ा हुआ था धर्मा से एंड मेंटेनिंग धर्मा और अ जस्ट सोशल ऑर्डर. ठीक है, वॉज कंसिडर्ड टू बी अ प्राइमरी ड्यूटी ऑफ किंग. और ये किंग का की प्राइमरी ड्यूटी होती थी कि वो अपनी सोसाइटी में जस्टिस मेंटेन करे, मीन्स अकॉर्डिंग टू धर्मा वो काम करे, अपनी ड्यूटी के अकॉर्डिंग वो काम करे. इन चाइना कन्फ्यूशियस द फेमस फिलोसफर आर्ग्यूड दैट किंग शुड मेंटेन जस्टिस by punishing wrongdoers and rewarding the virtuous. ठीक है, तो अब चाइना, अब यहाँ पे दो कंट्री का मैं बता दिया. चाइना में जो कन्फ्यूशियस जो था वो वहाँ का बहुत ही फेमस फिलोसफर था. उसने अपना ये आर्ग्यूमेंट दिया कि जस्टिस मीन्स वॉट, कि किंग जो है उसको जस्टिस मेंटेन करने के लिए जो रॉन्गडूअर हैं उनको पनिश करना चाहिए और जो लोग जो अच्छा काम करते हैं उनको रिवॉर्ड करना देना चाहिए. और इस तरह से रॉन्ग डूअर को पनिश करके और जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको रिवॉर्ड कर देकर किंग जो है वो जस्टिस को अपनी सोसाइटी में मेंटेन कर सकता है. इन फोर्थ सेंचुरी BC एथेंस, इन एथेंस, एथेंस जो है ना ग्रीस में की एक सिटी थी, तो फोर्थ सेंचुरी BC में यस प्लेटो डिस्कस्ड इशू ऑफ जस्टिस इन हिज बुक द रिपब्लिक. तो वहाँ पे जो प्लेटो था ना उसने अपनी एक बुक लिखा द रिपब्लिक, इसको आप अंडरलाइन कर लो. ठीक है, प्लेटो की बुक का नाम है द रिपब्लिक. उसने अपने बुक में जस्टिस के इशू को डिस्कस किया. ठीक है, थ्रू अ लॉन्ग डायलॉग बिटवीन सोक्रेट्स एंड हिज यंग फ्रेंड्स ग्लॉकॉन एंड एडिमेंटस. ये ग्लॉकॉन और एडिमेंटस ये इसके फ्रेंड थे सोक्रेट्स का. तो देखो प्लेटो ने जो अपनी बुक रिपब्लिक में जो डिस्क्रिप्शन दिया है वो डिस्क्रिप्शन एक डायलॉग बेसिस पे है जिसमें सोक्रेट्स और उसके फ्रेंड्स के बीच में डायलॉग हो रहा है. ठीक है,
प्लेटो एग्जामिन वाई वी शुड बी कंसर्न अबाउट जस्टिस. ठीक है, इसमें प्लेटो ये बताते हैं कि हमें क्यों जस्टिस से कंसर्न होना चाहिए. द यंग पीपल आस्क सोक्रेट्स वाई वी शुड बी जस्ट. ठीक है, तो अब देखो ये क्वेश्चन ना जो रिपब्लिक में प्लेटो ने लिखा है कि सोक्रेट्स से उनके जो यंग पीपल थे उन्होंने ये पूछा कि हमें जस्ट क्यों होना चाहिए, वाई वी शुड बी जस्ट. और कई बार हमारे दिमाग में भी ये क्वेश्चन आता है कि इतना जस्ट होने से क्या फ़ायदा, हमें क्या फ़ायदा मिलता है. तो इसी तरह का शायद कोई क्वेश्चन उनके भी दिमाग में था. द यंग पीपल आस्क सोक्रेट्स वाई वी शुड बी जस्ट. दे ऑब्जर्व दैट पीपल हु वर अनजस्ट सीम टू बी मच बेटर ऑफ देन दोज हु वर जस्ट. क्योंकि वो कहता है कि जो लोग अनजस्ट हैं वो ज़्यादा बेटर ऑफ दिखते हैं, वो ज़्यादा अच्छे दिखते हैं सोसाइटी में, वो ज़्यादा अच्छी पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, वो ज़्यादा वेल्दी हैं, वो ज़्यादा खुश दिखते हैं. ठीक है, तो जो अनजस्ट लोग हैं अगर वो ज़्यादा खुश हैं तो हमें जस्ट होने की क्या ज़रूरत है. ठीक है, दोज हु ट्विस्टेड रूल्स टू सर्व देयर इंटरेस्ट अवॉइडेड पेइंग टैक्स एंड वर विलिंग टू lie and be deceitful were often more successful than those who were truthful and just. ठीक है, वो जो यंग पीपल है वो ये कहता है कि जो लोग रूल्स तोड़ते हैं, ठीक है, जो टैक्स पे नहीं करते, टैक्स पे करना अवॉइड करते हैं, जो धोखाधड़ी करते हैं, जो झूठ बोलते हैं, ये लोगों को अगर देखो तो ये लोग ज़्यादा सक्सेसफुल नज़र आते हैं. ठीक है, तो अगर वो ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, वो ज़्यादा आराम से रह रहे हैं, तो हमें ट्रुथफुल और जस्ट होने की क्या ज़रूरत है. ठीक है, अगर वो सिचुएशन अच्छी है तो. इफ वन वर स्मार्ट एनफ टू अवॉइड बीइंग कॉट देन इट वुड सीम दैट बीइंग अनजस्ट इज बेटर देन बीइंग जस्ट. ठीक है, तो ऐसे में हमें ये लगता है कि जस्ट होने से तो अच्छा है कि हम अनजस्ट ही रहें. यू मे हैव हर्ड पीपल एक्सप्रेसिंग सिमिलर सेंटिमेंट इवन टूडे. आज भी हम लोग इस तरह की बात अक्सर करते हैं कि जस्टिस से क्या फ़ायदा, ये जो चोरी करने वाले लोग हैं, जो इतना करप्शन करते हैं, वो इतने बेटर पोजिशन पर पहुँचे हुए हैं. ठीक है, तो हमें भी कई बार इस तरह की फीलिंग आती है कि मतलब जस्ट होने की क्या ज़रूरत है, जब अनजस्ट होकर हम ज़्यादा अच्छी तरह से सर्वाइव कर सकते हैं. सोक्रेट्स रिमाइंड दीज यंग पीपल दैट इफ everyone were to be unjust, if everyone manipulated rules to suit their own interest, no one could be sure of benefiting from injustice. ठीक है, तो यहाँ पर सोक्रेट्स उनको समझाते हैं कि अगर सभी लोग अनजस्ट हो जाएंगे, देखो किसी भी अनजस्ट फीलिंग को हम कैसे समझ पाते हैं कि ये इनजस्टिस है. जब हम जस्ट हैं, जब हमें मालूम होता है कि ये जस्टिस है और ये जो ये लोग कर रहे हैं ये इनजस्टिस है, तभी तो हम जस्टिस और इनजस्टिस के बीच में फ़र्क कर पाते हैं और हमें मालूम है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. जब सारे लोग ही इनजस्टिस करने लगेंगे तो फिर हम तो उसमें फ़र्क ही नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो इफ़ एवरीवन मैनिपुलेटेड रूल्स टू सूट देयर ओन इंटरेस्ट, अगर हर लोग मैनिपुलेट करने लगे अपने इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए, नो वन कुड बी श्योर ऑफ बेनिफिटिंग फ्रॉम इनजस्टिस. तो कोई भी जो है किसी को भी उससे इनजस्टिस से फ़ायदा नहीं होगा, मतलब किसी मतलब उससे इस सिचुएशन से किसी को भी फ़ायदा नहीं होगा. नो बडी वुड बी सिक्योर एंड दिस वॉज लाइकली टू हार्म ऑल ऑफ देम. और ऐसे में कोई भी बंदा जो है वो सिक्योर नहीं होगा और इससे सबको नुकसान होगा. यहाँ पर तो ये है कि चलो ठीक है, एक समय के बाद रियलाइजेशन होता है जो गलत है ये हमें पता चल जाता है कि ये गलत है और ये सही है. ठीक है, सही और गलत के बीच का जो डिफरेंस है ये हमें मालूम चल जाता है. तो कहते हैं ना कि अंधेरा है तभी हमें मतलब जो लाइट है उसका इम्पोर्टेंस पता चलता है. तो उसी तरह से ये जो इनजस्टिस करने वाले जो इनजस्ट लोग हैं उनकी वजह से ही जो जस्टिस है वो अपना इम्पोर्टेंस क्रिएट कर पाती है. हेंस इट इज़ इन आवर ओन लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट टू ओबे द लॉ एंड बी जस्ट. और इसलिए लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के लिए ज़रूरी है कि हम लॉज को ओबे करें और हम जस्ट रहें. ठीक है, तो कितने अच्छे तरीके से सोक्रेट्स ने इस चीज़ को समझा दिया. सोक्रेट्स क्लेरिफाइड दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड क्लियरली व्हाट जस्टिस मीन्स इन ऑर्डर टू फिगर आउट व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी जस्ट. ठीक है, उन्होंने
इसी को बहुत अच्छे से क्लेरिफाई कर दिया कि ये हमारे लिए जस्ट होना क्यों इम्पोर्टेंट है, सोसाइटी में जस्टिस की इम्पोर्टेंस क्या है और हमारे लिए जस्ट होना क्यों इम्पोर्टेंट है। ही एक्सप्लेन्ड दैट जस्टिस डज नॉट ओनली मीन डूइंग गुड टू आवर फ्रेंड एंड हार्म टू आवर एनिमी और परसुइंग आवर ओन इंटरेस्ट। ठीक है, साथ ही साथ देखो ये क्या कह रहे हैं, इनका कहना है कि जस्टिस का मतलब ये नहीं है कि हम केवल अपने फ्रेंड्स के साथ, जिनको हम जानते हैं, जो हमारे रिलेटिव्स हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, हम उनके साथ अच्छा करें और एनिमीज को, जो हमारे एनिमीज हैं, उनको हम हार्म पहुंचाएं। जस्टिस ये नहीं कहता। जस्टिस का मतलब कि हम जैसा अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, अपने चाहने वालों के साथ बिहेव करते हैं, वैसा ही हमें अपनी एनिमीज से भी करना पड़ेगा, तब हम जस्टिफाइड कहलाएंगे। और परसुइंग आवर, और अगर हम सिर्फ अपने इंटरेस्ट को परस्यू करने की कोशिश कर रहे हैं, देन वी आर नॉट जस्ट। जब हम अपने साथ साथ, अपने लोगों के साथ साथ, अपनी एनिमीज के इंटरेस्ट को भी अगर देखते हैं, भाई अगर किसी कोई सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर जाने से हमारे एनिमीज को लॉस हो सकता है, वो हार्म हो सकता है, और अगर हम उसको रोकते हैं, देन वी आर जस्ट। ठीक है, जस्टिस इन्वॉल्व द वेलबींग ऑफ ऑल पीपल। ठीक है, तो जस्टिस में सभी लोगों का वेलबींग जो है वो इन्वॉल्व होता है। जस्ट एज अ डॉक्टर इज कंसर्न्ड विद द वेलबींग ऑफ हिज और हर पेशेंट, सिमिलरली द जस्ट रूलर और द जस्ट गवर्नमेंट मस्ट बी कंसर्न्ड विद द वेलबींग ऑफ पीपल। ठीक है, डॉक्टर की तरह ही, जैसे डॉक्टर सारे अपने मरीजों के लिए इक्वली वो ट्रीट करता है, उसी तरह से गवर्नमेंट मस्ट बी कंसर्न्ड विद द वेलबींग ऑफ द पीपल। इंश्योरिंग द वेलबींग ऑफ द पीपल इंक्लूड्स गिविंग ईच पर्सन हिज ड्यू। और सबका वेलबींग कैसे इंश्योर करेगा, एक डॉक्टर की तरह गवर्नमेंट को भी ये चाहिए कि वो सबके वेलबींग के लिए काम करे। लेकिन हम कब कहेंगे कि वो सबके वेलबींग के लिए काम हो रहा है? तो इंश्योरिंग द वेलबींग ऑफ द पीपल इट इंक्लूड्स गिविंग ईच पर्सन हिज ड्यू। हर बंदे को, हर इंडिविजुअल को जो मिलना चाहिए, अगर वो मिल रहा है, दैट मीन्स सोसाइटी में वेलबींग जो है वो इंश्योर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ यही है कि अब हम इसको कैटेगराइज नहीं कर सकते कि ये हमारा अपना है और ये हमारा दुश्मन है। सोसाइटी के हर बंदे को जो उसके लिए ड्यू है, वो अगर वो मिल रहा है, ठीक है, जो उसको मिलना चाहिए वो मिल रहा है, दैट मीन्स कि सोसाइटी में जस्टिस है, सोसाइटी में वेल बींग जो है वो इंश्योर हो रहा है। द आइडिया दैट जस्टिस इन्वॉल्व गिविंग ईच पर्सन हिज ड्यू कंटिन्यूज टू बी एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर प्रेजेंट डे अंडरस्टैंडिंग ऑफ जस्टिस। ठीक है, ये जो आइडिया जिसमें आइडिया ऑफ जस्टिस जिसमें ये बात हो रही कि सबको जो ड्यू है वो, जो जिसका ड्यू है वो उसको मिल रहा है, ये हमारे आज के प्रेजेंट डे में जस्टिस का जो की जो अंडरस्टैंडिंग है उसका एक बहुत ही अहम पार्ट है, बहुत ही अहम बात है। ठीक है, हाउएवर आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वॉट इज ड्यू टू अ पर्सन हैज चेंज फ्रॉम द टाइम ऑफ प्लेटो। ठीक है, लेकिन प्लेटो का जो टाइम था उसमें जो अंडरस्टैंडिंग थी, उस समय जो सोसाइटी के लिए ड्यू था, वो आज के टाइम तक आते आते वो चेंज हो गया है। टुडे आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वॉट इज जस्ट इज क्लोजली लिंक्ड टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वॉट इज ड्यू टू ईच पर्सन एज अ ह्यूमन बींग। ठीक है, ये आज जो ये जो अंडरस्टैंडिंग है कि वॉट इज ड्यू टू अस, ठीक है, ये बहुत क्लोजली लिंक्ड है इस बात से कि ईच एंड एवरी ह्यूमन बींग के लिए जो चीज़ें जरूरी हैं वो इंश्योर करती हैं वेलबींग को सोसाइटी के। अकॉर्डिंग टू द जर्मन फिलोसफर इम्यूनल कांट, ह्यूमन बींग पॉजिटिव डिग्निटी। ठीक है, इम्यूनल कांट जो है, इसको आप अंडरलाइन कर लो, जर्मन फिलोसफर इम्यूनल कांट, वो उनका ये कहना है कि ह्यूमन बींग जो है उसके अंदर डिग्निटी होती है। इफ ऑल पर्सन आर ग्रांटेड डिग्निटी then what is due to each of them is that they have the opportunity to develop their talent and pursue their chosen goal. ठीक है,
अब देखो ये बता रहे हैं कि हर बंदे के अंदर जो है वो डिग्निटी होती है, और किसी की भी डिग्निटी अगर अगर उसके अकॉर्डिंग हम देखें कि हर डिग्निफाइड पर्सन का ड्यू क्या है, उसको क्या मिलना चाहिए, तो हम ये देखेंगे कि हर डिग्निफाइड पर्सन को वो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए जिससे कि वो अपने टैलेंट को डेवलप कर सके, ठीक है, और अपने गोल को परस्यू कर सके। जस्टिस रिक्वायर्स दैट वी गिव ड्यू एंड इक्वल कंसिडरेशन टू ऑल इंडिविजुअल, और इसी चीज़ को जस्टिस कंसिडर करता है कि जिनकी जितने भी इंडिविजुअल हैं उनको उनका ड्यू मिलना चाहिए, और जब सबको उनका ड्यू मिलने लगता है, जो उनको चाहिए, जो उनके लिए ज़रूरी है वो मिलता है, तो हम कहते हैं कि सोसाइटी में सोसाइटी जो है जस्ट सोसाइटी है। नाउ वी विल डिस्कस इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स। ऑल्दो देयर माइट बी broad agreement in modern society about the equal importance for all people, it is not a simple matter to decide how to give each person his or her due. आज के इस modern society में ये accepted है, broad acceptance है इस बात को लेकर कि सभी लोगों को equal importance दिया जाना चाहिए, लेकिन ये अपने आप में बहुत सिंपल मैटर नहीं है। ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल है कि सभी लोगों को उनका ड्यू कैसे प्रोवाइड किया जाए, जो उनको मिलना चाहिए वो कैसे प्रोवाइड कराया जाए। अ नंबर ऑफ डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैव बीन पुट फॉरवर्ड इन दिस रिगार्ड। वन ऑफ द प्रिंसिपल इज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली, और सब लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाए, जिसको जिसका जो ड्यू है वो उसको मिले, उसके लिए कई सारे प्रिंसिपल्स जो हैं वो प्रोवाइडेड हुए, और उनमें से एक प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली, जो एक तरह के लोग हैं उनको उनके साथ एक जैसा बिहेव करना, ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली। इट इज़ कंसिडर्ड दैट ऑल इंडिविजुअल्स शेयर सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स एज ह्यूमन बींग्स, therefore they deserve equal rights and equal treatment. Some of the important rights which are granted in most liberal democracies today include civil rights such as the right of life, liberty and property. Political rights like the right to vote, which enable people's to participate in political processes, and certain social rights which would include the right to enjoy equal opportunities with other members of the society. ये consider किया गया कि जितने भी individuals हैं वो certain characteristics as a human being certain characteristics share करते हैं, और इसलिए वो इक्वल राइट्स और इक्वल ट्रीटमेंट पाने के हकदार हैं, और इसलिए मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्री में जो उनके सिटीजन्स को जो राइट्स प्रोवाइडेड हैं उनमें सिविल राइट्स इंक्लूडेड हैं। सिविल राइट्स जैसे राइट ऑफ लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी, बहुत सारे पॉलिटिकल राइट्स भी उनको मिले हुए हैं लाइक राइट टू वोट, जिसकी वजह से वो अपने कंट्री में होने वाले पॉलिटिकल प्रोसेसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और बहुत सारे सोशल राइट्स भी मिले हुए हैं विच इंक्लूड द राइट टू एंजॉय इक्वल अपॉर्चुनिटी, जिससे सोशल राइट्स के थ्रू उनको अवसर की समानता भी मिलती है विथ अदर मेम्बर्स ऑफ द सोसाइटी। Apart from equal rights, the principle of treating equals equally would require that people should not be discriminated against on grounds of class, caste, race or gender. Citizens को जो equal rights provided होते हैं उनके अलावा जो principle of treating equals equally ये जो principle है उसके लिए ज़रूरी है कि जितने भी लोग हैं
उनके साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाना चाहिए इस ग्राउंड पर कि वो अलग ग्रुप के हैं, अलग कास्ट के हैं, उनका रेस अलग है, और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के अकॉर्डिंग उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाना चाहिए। इक्वल राइट्स के साथ साथ ज़रूरी है कि उनसे उन्हें इन सारे डिस्क्रिमिनेशन से भी अलग रखना चाहिए। दे शुड बी जज ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क एंड एक्शन एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रुप टू विच दे बिलोंग। ठीक है, उन्हें उनके काम के थ्रू जाना जाना चाहिए, उनको जज किया जाना चाहिए उनके काम के थ्रू, उनके एक्शन के थ्रू, न कि उस आधार पे कि वो किस क्लास को बिलोंग करते हैं, किस ग्रुप को बिलोंग करते हैं, किस कास्ट को और किस रिलीजन को बिलोंग करते हैं। देयरफॉर इफ़ टू पर्संस फ्रॉम डिफरेंट कास्ट परफॉर्म द सेम काइंड ऑफ वर्क, वेदर इट इज़ बी ब्रेकिंग स्टोन्स और डिलीवरिंग पिज़्ज़ा, दे शुड रिसीव द सेम काइंड ऑफ रिवॉर्ड। ठीक है, तो एक जैसे काम करने वाले दो लोग, चाहे वो पत्थर तोड़ने वाले का काम हो या पिज़्ज़ा डिलीवर करने का काम हो, दोनों को सेम वर्क के लिए सेम तरह के ही रिवॉर्ड दिए जाने चाहिए। इफ़ अ पर्सन गेट्स 100 रुपीज फॉर सम वर्क एंड अनदर रिसीव ओनली 75 रुपीज़ फॉर द सेम वर्क बिकॉज दे बिलोंग टू डिफरेंट कास्ट, देन इट वुड बी अनफेयर और अनजस्ट। है ना, अगर एक जैसा काम अगर हो रहा है तो उसके लिए एक जैसा रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए। अगर एक काम के लिए किसी को 100 रुपीज़ पे किया जा रहा है और ठीक उसी तरह के काम के लिए दूसरे को अगर 75 रुपीज़ ही सिर्फ देते हैं तो दैट तो हम कहते हैं कि ये अनफेयर और अनजस्ट है, इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन। सिमिलरली इफ़ अ मेल टीचर इन अ स्कूल गेट्स अ हायर सैलरी देन अ फीमेल टीचर, देन दिस डिफरेंस वुड ऑल्सो बी अनजस्टिफिएबल एंड रॉन्ग। तो इस तरह का जो डिफरेंस है वो गलत है और ये नहीं होना चाहिए। राइट, नाउ वी विल डिस्कस प्रोपोर्शनेट जस्टिस। वॉट इज प्रोपोर्शनेट जस्टिस, वो भी प्रोपोर्शनेट तरीके से। हाउएवर इक्वल ट्रीटमेंट इज नॉट द ओनली प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। देयर कुड बी सर्कमस्टांसिस इन विच वी माइट फील दैट ट्रीटिंग एवरीवन इक्वली वुड बी अनजस्ट। अब जैसा कि हमने पढ़ा कि जस्टिस का के कई सारे प्रिंसिपल्स हैं, उनमें से एक प्रिंसिपल हमने पढ़ा ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली, लेकिन सिर्फ इक्वल ट्रीटमेंट ही जो है वो इकलौता जस्टिस इकलौता प्रिंसिपल नहीं है, और कई बार इस प्रिंसिपल के थ्रू इस प्रिंसिपल को अगर हम यूज़ करते हैं तो सर्कमस्टांसेस ऐसे हो सकते हैं कि वहाँ पर इनजस्टिस क्रिएट हो जाए। समटाइम्स ट्रीटिंग एवरीबडी इक्वली वुड बी अनजस्ट। फॉर इंस्टेंस, वुड यू रिएक्ट इफ इट वॉज डिसाइडेड इन योर स्कूल दैट ऑल दोज हु डिड एन एग्जाम शुड गेट इक्वल मार्क्स बिकॉज दे आर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ द सेम स्कूल एंड डिड द सेम एग्जाम। हेयर यू माइट थिंक इट वुड बी मोर फेयर इफ स्टूडेंट्स वर अवॉर्डेड मार्क्स अकॉर्डिंग टू द इक्वालिटी ऑफ देयर आंसर पेपर्स एंड ऑल्सो पॉसिबली द डिग्री ऑफ एफर्ट दे हैड पुट इन। अब हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर एक स्कूल में एग्ज़ाम अगर होता है, एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, तो क्या सारे बच्चों को इसलिए इक्वल मार्क्स दे दिए जाने चाहिए कि वो सारे इक्वल हैं और एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं, एक ही टीचर के साथ के द्वारा पढ़ रहे हैं और उन्होंने उन सब ने एग्ज़ाम दिया है, इसलिए क्या सबको एक जैसे मार्क्स ही प्रोवाइड कर देने चाहिए? तो यहाँ पर ज़रूर हमारे दिमाग में ये बात आती है कि जिस स्टूडेंट ने आंसर ज़्यादा अच्छे तरीके से लिखा है, उसके आंसर जिसके आंसर की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है, उसको ज़्यादा मार्क्स अवॉर्डेड होने चाहिए, और जिसने ज़्यादा एफर्ट किया है
उसको ज़्यादा मार्क्स मिलने चाहिए और ऐसा करना ही फेयर और जस्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे कि वहाँ इनइक्वालिटी हो रही है। और अगर हम इक्वालिटी के प्रिंसिपल को यहाँ पर लाते हैं तो इक्वालिटी के प्रिंसिपल को अप्लाई करना यहाँ पर अनजस्ट हो जाएगा, इनजस्टिस क्रिएट करेगा। तो इसलिए यहाँ पर अगर डिफरेंसेस हैं तो ये कहीं ना कहीं फेयर और जस्ट हैं। इन अदर वर्ड्स, प्रोवाइडेड एवरीबडी स्टार्ट्स फ्रॉम द सेम बेस लाइन ऑफ इक्वल राइट्स, जस्टिस इन सच केसेस वुड मीन रिवॉर्डिंग पीपल इन प्रपोर्शन टू द स्केल एंड क्वालिटी ऑफ देयर एफर्ट। मोस्ट पीपल वुड एग्री दैट ऑल्दो पीपल शुड गेट द सेम रिवॉर्ड फॉर द सेम वर्क, इट वुड बी फेयर एंड जस्ट टू रिवॉर्ड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क डिफरेंटली इफ वी टेक इंटू अकाउंट फैक्टर्स सच एज द एफर्ट रिक्वायर्ड, द स्किल्स रिक्वायर्ड, द पॉसिबल डेंजर्स इन्वॉल्व्ड इन दैट वर्क एंड सो ऑन। दूसरे शब्दों में क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि एवरीबडी जो कि सेम बेस लाइन, इक्वल राइट्स के सेम बेस लाइन से जो स्टार्ट कर रहे हैं या फिर जस्टिस के जो सेम लाइन से स्टार्ट कर रहे हैं, उनको उनके एक्शन के प्रपोर्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है, जैसे स्केल ऑफ क्वालिटी, उनके काम का की क्वालिटी क्या है उसके प्रपोर्शन में, उसने कितना एफर्ट किया है उसके प्रपोर्शन में अवार्ड दिया जाए। सारे लोग इस बात के लिए अग्री होते हैं कि सेम वर्क के लिए सेम रिवॉर्ड जो है वो दिया जाना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हम इस बात के लिए भी अग्री होते हैं कि अगर कुछ वर्क जो है वो स्पेशल सर्कमस्टांसेस में किए गए हैं, स्पेशल एफर्ट के संग किए गए हैं, तो उनको डिफरेंटली रिवॉर्ड दिया जाना चाहिए। जैसे अगर किसी ने कोई ऐसा काम किया है जिसके लिए कोई स्पेशल स्किल रिक्वायर्ड है या फिर उस काम में कोई डेंजर इन्वॉल्व है या फिर कोई स्पेशल एफर्ट रिक्वायर्ड है और उसको जो भी करता है उस इन सारी सर्कमस्टांसेस में, तो उनको डिफरेंटली रिवॉर्ड किया जाना कहीं ना कहीं जस्ट और फेयर फील होता है। इफ़ वी यूज़ दीज क्राइटेरिया वी मे फाइंड दैट सर्टन काइंड्स ऑफ वर्कर्स इन आवर सोसाइटी आर नॉट पेड अ वेज विच टेक्स सच फैक्टर्स सफिशेंटली इनटू अकाउंट। फॉर इंस्टेंस, माइनर्स, स्किल्ड क्राफ्ट्समैन और पीपल इन समटाइम्स डेंजरस बट सोशली यूजफुल प्रोफेशंस लाइक पुलिसमैन मे नॉट ऑलवेज गेट अ रिवॉर्ड विच इज़ जस्ट इफ वी कंपेयर इट टू वॉट सम अदर इन सोसाइटी मे बी अर्निंग। फॉर जस्टिस इन सोसाइटी द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट नीड्स टू बी बैलेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। एक ट्रीटिंग पीपल, ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली, और दूसरा प्रोपोर्शनल जस्टिस। और किसी भी सोसाइटी में सोशल जस्टिस लाने के लिए, एक सोशल जस्टिस क्रिएट करने के लिए इन दोनों ही प्रिंसिपल्स के बीच बैलेंस बिठाना, बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है।